Deputat Samadi Yemisay. जानते हैं कि आज से 9 साल पहले शुपियां में आसिया और नीलूफर का बेहमाना कत्ल किया गया। वो दरिंदगी का शिकार की गई और फिर केस सीबीआई को दे दिया। सीबीआई के हवाले इसलिए किया गया ताकि जो दरिंदे हैं, जो मुलवसीन हैं, वो आज़ाद घूमें और उनकी तरफ कोई गोली ना और वो जो इंसाफ के कंजे में ना आए। उस वक्त महबूबा मुफ्ती साहिबा जो इस वक्त हुकूमत चला रही है जम्मू कश्मीर की, वो सड़कों पर आती थी, वो प्रोटेस्ट करती थी और उन्होंने आसिया और नीलूफर की कत्ल और उनकी फतरीज के खिलाफ प्रोटेस्ट किए हैं और उनके घर भी गई है, उनसे वादा किया है कि अगर आप मुझे वोट दोगे या मैं अगर हुकूमत में आ गई मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगी। हम उनको उनका वादा याद दिलाना चाहते हैं। बस एक खातून के आप सिर्फ नाजुक है, आप जानती हो कि आसिया और नीलूफर के साथ क्या गुजरा, वो किस दर्द, वो किस कर्ब, वो किस मुसीबत से गुजरी है, आप बहुत अच्छी तरह समझ सकती हो। उनको इंसाफ दिलाने में आप ज़्यादा देर ना करें, अपनी सिर्फ नाजुक होने का सबूत है। जितनी भी यहाँ हमारी बेटियाँ, हमारी माएँ, हमारी बहुएँ, हमारी बहनें दरिंदगी का शिकार हुई है, किसी भी जाति का शिकार हुई, उनको इंसाफ दिलाने में आ गई। सर ये प्रोटेस्ट का ज़्यादा जो हम स्ट्रेस दे रहे हैं वो है कि हम हुकूमत हिंदुस्तान से कहते हैं कि आप यहाँ ये फौजी जमाव को बिल्कुल बंद करें, जो फौजी जमाव है यहाँ इसको आप फौजी इंकलाब शुरू कीजिए क्योंकि दिस इज़ मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन ऑफ द वर्ल्ड और इस फौजी जमाव में हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ और हमारी बच्चियों की इफ़त महफूज नहीं है। इस वक्त भी जो मेजर है, जो आर्मी के ऑफिसर हैं, वो हमारी कमसिन बच्चियों को बहला के फुसला के ये बदकारी में ये